नाले खालों को किया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। अतिक्रमण अभियान के तहत जहां शहर के विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया, उसके बाद अब शहर में नाले खालों पर भी किया गया अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज शहर के विभिन्न स्थानों से नालों की सफाई की गई। साथ ही जहां पर अतिक्रमण किया गया है उन स्थानों को चिन्हित कर दिया गया, साथ ही उनकी एक सूची तैयार कर दी गई, जिसके बाद अब नाले खालों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि बरसात के मौसम में नाले खाने बंद होने से सारा पानी सड़कों पर आ जाता था, जिसके कारण राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए अब शहर के नालों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। तैयारियां हैं शहर के विकास को लेकर। देखिए, आज से नगर पालिका ने एक अभियान चलाया है, जितने भी शहर में नाले हैं जो इनमें सारा पानी जाता था, तो लगातार कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि ये नाले बंद कर दिए गए हैं या उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है या किसी ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन उस नाले पे कर दिया। तो उसके मद्देनज़र नगर पालिका ने एक अभियान चलाया है जिसमें शहर के जितने भी सार्वजनिक नाले हैं, क्योंकि इन नालों के बंद होने से हमारे शहर की सड़कों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पैदल चलने वाले जितने स्कूली बच्चे हैं, पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और पर्यावरण के लिए भी इसलिए नुकसान था कि काफ़ी जगह जो जमीन है उसका कटान हो रहा था, कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे थे। तो आज ये अभियान पालिका ने चलाया है और जितने भी नालों में अतिक्रमण है, मैं तो कहूँगा जितने भी स्थानीय लोग हैं वो हमें सूचित करें, अगर कहीं से सूचना मिलती है कि नाले में अतिक्रमण है वो हमें बताएं और पालिका और नाले खुलवाने का काम करेगी। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे बड़े से बड़ा होटल हो या छोटे होटल हो या जिस इंसान ने भी नालों पर अतिक्रमण किया है उसको नालों से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पहले जी पहले देखा गया है कि जो शहर के जो नाले खाले थे, करोड़ों रुपये लगाया गया था इसमें नाले खानों को ठीक करने में, उसके बावजूद भी आज जो है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। देखिए, पहले से एक प्रथा है यहाँ पे नाले बनाने की। खैर, वर्तमान भूमि में तो हमने बहुत कम नाले, अति आवश्यक कोई नाला होगा तो वही बनाया होगा, नहीं तो हमने किसी प्रकार का कोई नाला नहीं बनाया है। और जितने भी नाले शहर में है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम की ये ड्रेनेज सिस्टम बनी हुई है पूरे शहर में, और अगर इस ड्रेनेज सिस्टम को हम इफेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान होता है, सड़कें हमारी टूटती है, कई जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो हम उसको पुराने स्वरूप में लेना चाहेंगे और इस क्रम में हमने भी लिंडौर रोड से शुरू किया है कि लिंडौर रोड से आज हम शुरुआत करेंगे और जहाँ जहाँ हमें शिकायतें आएंगी कि नालों पर अतिक्रमण या नाले बंद कर दें, हम उन नालों को खुलवाने का कार्य